डॉक्टर सबिया, मेरे पार्टनर का इरेक्शन तो बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन बात जब इजैकुलेशन की होती है तो बहुत देर तक करने के बाद भी वो अंदर नहीं कर सकता। एट द एंड वो मैस्टुबेशन खुद से करके ही करता है। एम आई नॉट इनफ फॉर हिम इज वॉट आई फील गिल्टी अबाउट। जल्दी इजैकुलेट करो, लेट करो या बिल्कुल ना करो, इन सब बातों का मायने इम्पोर्टेंस तब रहता है जब एक कपल प्रेग्नेंट होना चाहता है, दे आर प्लानिंग अ फैमिली। प्लेजर का और इजैकुलेशन का दूर दूर तक कोई भी रिलेशनशिप है नहीं। एज अ डॉक्टर एंड अ सेक्स कोच, लेट मी फर्स्ट टेल दिस कि ये तो एक इंसानों का बना बनाया एक नियम बन चुका है कि क्लाइमैक्स मतलब इजैकुलेशन, एंड वर्स्ट ट्रूल इज अ मेल पार्टनर हैविंग इज इरेक्शन एंड इजैकुलेशन, द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओन्ड बाय दैट फीमेल पार्टनर। प्लेजर का, इंटीमेसी का कोर मीनिंग ये है कि दो जिस्म एक जान बन के वो इंटीमेसी वाला मोमेंट अच्छी तरह जिया जाए, ना कि हाथ में तराजू लेकर ये तोला जाए कि कौन कितना वेट हुआ, कौन कितना इरेक्ट हुआ, किसने कब इजैकुलेट किया। यकीन मानो, आज नहीं तो कल उम्र के हिसाब से इन ऑर्गन्स की इफिशेंसी कम ज़्यादा होती रहेगी, लेकिन रिश्ते की इंटीमेसी वो तो बरकरार रहनी चाहिए। और अगर एक इंटीमेट रिलेशनशिप का दारोमदार इरेक्शन और इजैकुलेशंस पे है, तो क्या आपको लगता है कि वो रिश्ता सही है?